आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लेके आऊंगा आपके यूपी वीडियो से जुड़े हुए टॉपिक। यहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उस पर क्लिक करिए और आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या धनंजय प्रताप सिंह के नाम से मुझे सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है, आपको मैं पढ़ा के दिखाता हूँ बिल्कुल। जो ये 17 अक्टूबर को वैसे ये आ चुका था, लेकिन क्या हुआ, ये उन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, ये अपलोड नहीं किया गया था, ये 17 तारीख को रिलीज कर दिया गया था वैसे तो, अपलोड ये आज हुआ है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या, ये सब बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक समान चयन प्रतियोग त्मक परीक्षा 2018 23 और 23 दिसंबर को, 22 और 23 दिसंबर 2018 शनिवार एवं रविवार को दो दो पालियों में कराई जाएगी। और ये कब कब होगी, 10 बजे पहली, 10 बजे से 12 बजे, और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। तो दोस्तों ये आपका दो दो पालियों यानी 4 पालियों में एग्जाम होगा। अब दोस्तों बात आती है आप लोगों की कि सिलेक्शन कैसे पाया जाए, इसके लिए आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आपके YouTube और अनअकैडमी दोनों में आपके लिए वीडियो आने लगेंगे, आप लोगों के लिए तैयारी अच्छी तरीके से करा दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी 2-4 दिन में आपके लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेस चालू हो जाएंगी और स्पेशल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर, इसलिए आप जल्दी जल्दी इस चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, जिससे कि और सब लोग भी जुड़ सकें। जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोगों के लिए मैं क्लास लाने लगूंगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसकी क्लासें कब से चालू कर दी जाएं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं। वैसे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग भी बताइए, अगर ज़्यादा संख्या जिसकी होगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत।